करें फन एडिटिंग चैनल को और प्रेस करें नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि यहाँ पर मिल जाता है आपको सभी व्हाट्सएप स्टेटस का ट्यूटोरियल सबसे पहले। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको कुछ वीडियो इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिन सबका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको वहाँ पर जाके बारी बारी से सभी वीडियोस को डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों उस तरह की 3D व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे दोस्तों मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, मीडिया के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड पर जाकर आपको सिंपली एक वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अब आपको इसकी लेंथ को बढ़ाकर 25 से 30 सेकंड के आसपास कर देनी है, जितनी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर लेयर का बटन दिख रहा होगा, आप लेयर के ऑप्शन पर जाकर आप अपने उस वीडियो को यहाँ पर लेके आ जाइए जिससे आप एडिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लेके आ जाते हैं। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, अपनी इस फोटो को अपने साइज़ के हिसाब से बड़ा कर लेना, जितना आप अपने साइज से बड़ा करना चाहते हैं, जितनी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो हम इसको इतना कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको इसको खींच कर पीछे की ओर यहाँ पर ले जाना है, जितनी आपकी वीडियो है। उसके बाद सिंपली आपको 3 डॉट पर क्लिक करके आपको डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। उसके बाद सिंपली इसको यहाँ से थोड़ा सा इस करके सेंड टू बैक कर देना है। दोस्तों अब आपके जो इस वीडियो यहाँ जो सेंड टू बैक किया है, इस पर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको अल्फा का इसको यहाँ से थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देना है। कम करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से थोड़ा सा बैक आ जाना। उसके बाद सिंपली आपको ओवर एनिमेशन पर जाके आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, जिससे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपली लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पर लेके आ जाना है, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से इसको यहाँ पर रख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रोमा की ऑप्शन मिल जाएगा, क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इनेबल करके इसकी लेंथ को बढ़ा देना है। तो आपके वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगी, मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली इस पर साउंड पर क्लिक करके इसके साउंड को ऑफ कर देना है, यहाँ से इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद सिंपली इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है इसकी भी। तो उसको डुप्लीकेट बनाने के बाद सिंपली इसको आगे की ओर लेके आ जाना है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर लाने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, सिंपली दोबारा से लेयर के ऑप्शन पर जाना होगा। और लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एक और PNG को यहाँ पर लेके आ जाना है, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उसको भी डाउनलोड कर देना है इस ईयरफोन का। अब आपको करना क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना इस हिसाब से, और इसको छोटा करने के बाद सिंपली दोबारा से 3D पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है, और इसको यहाँ से थोड़ा सा पीछे की यहाँ से कुछ इस तरह से कर देना है, और इसकी भी अल्फा को यहाँ से कम कर देना है, जैसे कि मैंने कहा था, प्लस पर क्लिक करके इसके अल्फा को यहाँ से कम कर देना है। तो हम इसकी भी अल्फा को यहाँ से कम कर देते हैं। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली इसको खींच कर पीछे की ओर बड़ा कर देना है दोनों को। तो हम यहाँ से नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली आपकी वीडियो ज़्यादातर बनकर तैयार हो गई है। सिंपली अब आपको एक और वीडियो को लेके आ जाना है, ग्रीन स्क्रीन को आपको मीडिया पे जाके उसको भी आपको डाउनलोड कर देना है। इसको यहाँ पर लाने के बाद सिंपली ये सॉन्ग वाली वीडियो है, इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्रोमा की पर क्लिक करके इसको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना, अगर आपका ग्रीन कलर सेलेक्ट नहीं है। ग्रीन कलर करने के बाद यहाँ से आपको 7:1 और यहाँ से इस तरह कर रख देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे कीवर्ड, आपको यहाँ पर बीच में इसको रख देना है, जितना आपसे रखना चाहें। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आपकी वीडियो दोस्तों आपकी कुछ अब इस तरह से वीडियो दिखेगी, मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगी दोस्तों। अब आपको करना क्या होगा, आपको अगर शेडो रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पर एक बार शेडो भी लगा देता हूँ, आपको उसको भी डाउनलोड करना चाहे तो कर लेना। तो हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं उसको दोस्तों। शेडो को लाने के बाद सिंपली इसको यहाँ से छोटा कर लेना है, यहाँ से छोटा करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको सेंड टू बैक करके यहाँ से इसके भी अल्फा को थोड़ा सा कम कर देना, जिससे ये बिल्कुल आपकी ओरिजिनल लगेगी, और इसको यहाँ से बढ़ा देना। और दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, उस तरह की वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर दोस्तों शेयर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, आपको सिंपली शेयर के बटन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में इस वीडियो को सेव कर देना है। तो हम इसको फटाफट से एक्सपोर्ट कर देते हैं। सिंपली दोस्तों इसके एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको बैक आ जाना, बैक आने के बाद दोबारा से प्लस के आइकन पर क्लिक करके 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना, और मीडिया में जाकर उसी वीडियो को यहाँ पर लेके आ जाना जो अभी आपने बनाई है। तो इस वीडियो को यहाँ पर लाने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों क्लिक ग्राफिक्स का। आपको यहाँ पर एक ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है, जिसको आपको गेट मोर पर जाके डाउनलोड कर देना है, इसका नाम है फोटो प्रिंट। आपको इस पर क्लिक करके सेकंड वाला रेशियो सेलेक्ट कर देना। अब दोस्तों आपकी वीडियो कुछ इस तरह से दिख रही होगी, अमेजिंग 3D इफेक्ट की तरह। तो अब आपको करना क्या, इसको सेव कर लेना अपनी गैलरी में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इस तरह की वीडियो के साथ।